ग्लूकोस जेड़ा वो इस तरीके दे नाल इत्थे ग्लूकोस दी बोतल टंग के इत्थे लगाया गया है। किसी नूं बोलण दी अकल नहीं हैगी जी जमा भी किसी नाल कितना पेशेंट नाल कितना बिहेव करना जी। और अगर माड़ी जी पुछदे वी सो साइन कर दो मूँह फड़ के तुसीं कह दिंदे हो साइन कर दो इदां बोलदे ने। रात ड्रिप लाई और कोई अंदर बेड वेला नहीं पहला सानू कहिंदे आखे थोड़ा टाइम नहीं पूरा होया जी उस तो बाद इन्होंने गोली खवाई सानू कहिंदे तुसीं वेट करो नहीं वेट कर सकते तो तुसी घरे चले जाओ हुण तुसी दसो 9 महीने 10 दिन उपर हो गए तो जे बाई चांस कोई रास्ते च गलबात हुंदी है कौन जिम्मेवार होगा। कहते फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और हालत बयान कर दूंगी। सिविल अस्पताल के हालात कहो जे टुटे हुए बाथरूम गंदे बाथरूम मच्छर भरन पे है लिफ्टा बंद है सोच के देखो जे अज रब ना करे किसी डिलीवरी केस बिगड़िया होवे उहनूं लिफ्ट ते लैके जाना पवे लिफ्ट तो चलदी ही नहीं। तां इह बाथरूम है बाथरूम ते जिहड़े ताले लगे हुए ने नाल लिखिया भी होया कि बाथरूम ब्लॉक है। आ पानी चौंदा पिया भाई जी देख लो आ लेंटर तुहाडे सामने है पानी जिहड़ा उपरो देख लो लेंटर चौंदा पिया इत्थे और आ देखो सिर्फ लेंटर चौंदा नहीं पिया इह लोहे दी प्लेटां लाईआं होईआं इह कसीआं होईआं इहनां नूं इह सोच के देखो इह कादे लई कसीआं और इत्थे नवां कहिंदे आ अवार्ड बनाना जी बच्चों का अवार्ड बनावांगे। जगह जगह के बाथरूम टुटे पए है सीवरेज का पानी मच्छर पनदा पिया पखे चलते नहीं पे है गंदा पानी सीवरेज टुटे पे। लुधियाणा के सिविल हस्पताल के मौजूद हाँ तो अज इतें हालात दिखावे कि लोग किस तरह इतने आके अपना इलाज कराते हैं क्योंकि कई लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे तो सिविल हॉस्पिटल आते हैं तो कई समाज सेवी भी इतने पहुंचे ने इस हस्पताल के हालात दिखाने लिए तो असं खुद भी दिखावे पर एक हैरानी वाली गल है जो सानू इतने आके पता लगी है बाई जी ने इन्हों की जी पत्नी सके बई जी तुहाडे वाइफ सके हाँ वो रात को उन्होंने कोई दिक्कत आई सी तो सिविल हस्पताल दे विच लैके आए सके तो इन्हों का कहना है कि ग्लूकोस जिहड़ा वो इस तरीके दे नाल इत्थे ग्लूकोस की बोतल टंग के इत्थे लगाया गया इत्थे उन्हां दी वाइफ नूं बिठा के इत्थे ग्लूकोस लगाया गया। भाई जी की नाम है तुहाडा? मेरा नाम राजवीर सिंह है जी। की होया की सी तुहाडे बंदी नूं? वाइफ दे पेन होण लग गई सी जी असी एंबूलेंस नूं फोन कीता अद्धे घंटे बाद एंबूलेंस आई सानूं उरे आ लैके आ गए लैके आए हुए पहला सानू कहिंदे आखे थोड़ा टाइम नहीं पूरा होया जी उस तो बाद इन्होंने गोली खवाई सानू कहिंदे तुसी वेट करो नहीं वेट कर सकते तो तुसी घरे चले जाओ हुण तुसी दसो 9 महीने 10 दिन उपर हो गए तो जे बाई चांस कोई रास्ते च गलबात हुंदी है कौन जिम्मेवार होगा। इन्होंने तो सानू कहता भी तुसी जाओ कल्ला बंदा मैं कित्थे लैके जावां अद्धी रात नूं कोई सहूलत नहीं कोई कुछ नहीं कोई पखा नहीं चलता उरे मच्छरां च मरीज आई रात नूं ड्रिप लगी आ उत्थों डंडा तोड़ के लिया के ਉਰੋਂ ਆਪਦਾ ਹੈੱਡਫੋਨ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਹ ਰਾਤ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈ ਆ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ? ਡ੍ਰਿਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪ ਬੰਨ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਮੱਛਰਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੀਸਰਾ ਗੇੜਾ ਮੈਂ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸੋ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਉ ਮੂੰਹ ਪੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਉ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਗੇੜਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਓ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਗਲ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 3 ਜਾਂ 3 ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਵੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਣ 2-3 ਵੱਜ ਜੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਂ ਜੀ ਅਬੇ ਅਸੀਂ ਕੂਮ ਕਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸਵੇਰੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਿਨ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
कुड़ी का नॉर्मल केस होया तो कोई लैटरिन कोई कुछ नहीं है तो सानू क्यों परेशान करते असं तो इतने भजे फिरते हैं धक्के खाते फिरते हैं रोडों से असं रोड टुटे पे किधर जाइए किधर ना जाइए ठीक है जी। हुण इहदा तुसीं पुछणा सर भी गल सुणो भी आ चक्कर आ तो जो नॉर्मल केस होना तो उत्थे भी हो सकता सी कोई परेशान नहीं कोई कुछ नहीं है जाके सरकारी सलाह माड़े हालात हाँ और जाके बच्चे देख लो अजे भी बैठे आ कुड़ी का मामा आ मामा बैठा मैं तो अजे हूँ आया रोटी लेके ठीक है ना वो घर दे पहला आए हुए ठीक है जी। हालात तुहानू दिखा रहे हैं लेबर रूम है तो इत्थे लोग अपने इलाज कराउण आउंदे ने अपन जिन्हां दी डिलीवरी होने वाली हुंदी इत्थे ले कहिंदे पर हालात बहुत जड़े ने वो माड़े ने इधरले पासे भी तुहानू तस्वीर दिखाने कि इत्थे इस लेबर रूम दे विच जदों बच्चे का जन्म हुंदा पर बीमारियां तुसीं नाल देख सकदे हो कि किन्नियां लग जांदियां ने हालात की ने इत्थे गंदा पानी इत्थे खड़ा बहुत ज़्यादा जड़े ने मच्छर इत्थे वो गंदगी वाले फैले हुए ने तो ये हालात ने लुधियाणा के सिविल हस्पताल के बाथरूम की तस्वीर तुहानू दिखाने कि बाथरूम के इत्थे दे की हालात बने हुए ने तो ये बाथरूम है बाथरूम के जिहड़े ताले लगे हुए ने नाल लिखिया भी होया कि बाथरूम ब्लॉक है इधर वाले बाथरूम की तुहानू तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं इधरला बाथरूम तुसीं देखो तो इत्थे लिखिया होया कि बाथरूम ब्लॉक है तो ये हालात जिहड़े ने वो बने हुए ने बाथरूमों ताले जिहड़े ने वो जड़े हुए ने तो ये हालात लुधियाणा के हालात दिखाने इत्थे पहुंचे हुए हैं तो ये तस्वीर थानू लुधियाणा के सिविल हस्पताल दियां दिखा रहे हैं तो लोग बहुत परेशान ने ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੱਛਰ ਪਣਦਾ ਪਿਆ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਕਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈਟਰ ਚ ਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਾਈ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ हालात देखो जर्जर हो चुकिया हुई इन्हां बिल्डिंगां दा तुहानूं मैं दिखाना बिल्डिंगां दे लेंटर चौंदे पए आ उसके बावजूद जिथे लेंटर चौंदे पए आ उत्थे होर वार्ड बनाए जा रहे हैं जे कल रब ना करे बिल्डिंगां कलैप्स हो गईआं कोई गिर गईआं आ लो आ पानी चौंदा पिया बाई जी देख लो आ लेंटर तुहाडे सामने आ सारी जगह उपरो देख लो लेंटर चौंदा पिया इथों और आ देखो सिर्फ लेंटर चौंदा नहीं पिया इह लोहे दी प्लेटां लाईआं होईआं इह कसीआं होईआं इहनां नूं इह सोच के देखो इह कादे लई कसीआं और इत्थे नवां कहिंदे आ आ वार्ड बनाउणा जी बच्चिआं दा वार्ड बनावांगे इह बिल्डिंग चौंदी पई आ आ लो आ हालात आ कुर्सीआं व्हीलचेयरां टुट्टीआं पईआं वै लिफ्टां चलदीआं नहीं बाथरूम गंदे आ हालात बत्तो बत्तर है सिविल हस्पताल दे बिल्कुल अपील कदों की अपील थक गए अपील कर करके लुधियाने के लोग देखो जे लुधियाने शहर के पंजाब के सानू मोहल्ला क्लीनिक नालों पहला मैं यही कहता तुहाडा मोहल्ला क्लीनिक का स्टैप सही नहीं होएगा लेकिन जो मोहल्ला क्लीनिक नालों पहला साढ़े जिहड़े हस्पताल है क्योंकि हस्पतालों के डिलीवरी केस भी आते हैं एक्सीडेंट केस भी आते हैं इत्थे डॉप टेस्ट भी होंगे है इत्थे पोस्टमार्टम भी होंगे है और हस्पताल 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 ही होंगे है लख तुसी मोहल्ला क्लीनिक बना लो जे जे सिविल हस्पताल वर्गे जेडे मेन हस्पताल है जे पंजाब दे हस्पताल ही सही नहीं है जो ठीक नहीं है जो बीमार है तो फिर मोहल्ला के नहीं तो सिर्फ खांसी बुखार की दवाई दी जाती है कितों लोगों को पहला सिविल हस्पताल चाहिए वै जे बदलाव सानू चाहिए वै तो बदलाव के नाम के उत्ते पहला सानू एजुकेशन जी है वो प्राइवेट स्कूलों के स्तर पर मिलनी चाहिए मैं तुहानू दिखाऊंगा बड़ी जल्दी जस्सियां दे कोल सरकारी स्कूल के हालात की है सिर्फ दीवारा से पेंटिंग करन नाल स्कूल वधिया नहीं बन जाते या सिविल हस्पताल दे विच तुसीं हालात जाके देखो ये सिविल हस्पताल दे विच कहिंदे घर दे भाग ड्यूटी तो नज़र आ जाते हैं सिविल हस्पताल की एंट्री दे जिहड़ा बोर्ड है उनकी हालत बयान कर दूगी कहिंदे फस्ट इंप्रैशन इज़ द लास्ट इंप्रैशन और हालत बयान कर दूगी सिविल हस्पताल दे विच हालात किहो जिहे टुटे हुए बाथरूम गंदे बाथरूम मच्छर भरन पए लिफ्टां बंद है सोच के देखो जे अज
रब ना करे किसी डिलीवरी केस बिगड़िया होवे उन्हें लिफ्ट से लेके जाना पवे, लिफ्ट तो चलती ही नहीं, बाथरूम कंडम है, लेंटर चौंदे पे है, हालात की है। ये सिविल अस्पताल लुधियाना 30 to 40 lakh की आबादी, जे एवें नहीं सनम जी, एवें बदलाव नहीं। मैं तो थक गया हूँ तो बिनतियाँ करता करता, लेकिन प्रशासन कहता कि सच्चा यादव अगर बोलता ना तो बोलन दियो, परवाह ना करो, ध्यान ना दियो। लेकिन मैं फिर कहना कि सच्चा यादव बोलता है तुहाडे लई बोलता है, तुहाडे लई बोलता क्योंकि अगले 5 साल तुहाडे पक्के होण। तुसी भी अगर कुछ काम करो, अगर तुसी प्रशासन मेरा काम करेगा तो लोग ताही वोटा पाणगे। हालात की बदलिया, लोगों सामने बदलिया की, मैनूं दस्सो तो सही, सड़कों का आलम वो है, स्ट्रीट लाइटों का आलम वो है, मैंने बदलाव दसो। सिर्फ शहर के इनलीगल बिल्डिंगा वड़िया वड़िया बना देनिया, एक डिवेलपमेंट नहीं है दोस्त, एक डिवेलपमेंट नहीं है। डिवेलपमेंट चाहिए साडा सिविल हस्पताल, साडा सिविल हस्पताल, असी नवा हस्पताल। अभी तो लुधियाने वाले खाब लेंदे सीगे सानू पी जी ए वर्गा कोई वड्डा हस्पताल मिलेगा, पर पी जी आई तक ही मिलना, सानू यही हस्पताल अगर ठीक हो जाए। मैं बेनती करांगा अपने अपने CM भगवंत मान साहब नू कि मान साहब पंजाब दे इधर चीज़ों वाल ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मान साहब पंजाब दे विच, मान साहब कुछ नहीं बदलाव हड़े होया, मान साहब जो बदलाव होने चाहिए सके प्रैक्टिकली होने चाहिए सके। मान साहब आके मिलो NGO वर्करां नू, आके मिलो आम जनता नू, मान साहब इतने हालात देखो की हो रहे हैं, सब सुते पे हैं। मान साहब मैं SMO CMO नू पुछदा हूँ, ये ना कह दियो कि असी चिट्ठी लिख के भेजी हुई है सरकारां नू, वो चिट्ठिया लिखिया रह जांदियां, कितने चिट्ठिया रह जांदियां, कितने जांचा लिखिया रह जांदियां। जांच के नाम के उत्ते 11 लोग मरे सीगे गैसपुरा दे विच, वो कहिंदे वो दो NGT नू जिहड़ी 200 पेजां दी डिटेल भेजी है, किसी नू ते दोषी नहीं पाया। यही होंदा है, कोई दोषी नहीं है, जिहड़ा सरकारां वल्लों प्रशासन वल्लों कोई दोषी नहीं होंदा, दोषी सिर्फ आम जनता होंदी है। हालात तुहानू लुधियाणा सिविल हस्पताल दे दिखाए ने, ते लोगों नाल गलबात भी की है कि लोग परेशान ने। तवदेरे अपडेट्स नाल जुड़ो, कैमरामैन संदीप सिंह, सनमजीत सिंह, रोजाना स्पोक्समैन लुधियाणा।